आज बात करेंगे ग्राफ्टेड आम्रपाली मैंगो प्लांट की। इसके लिए गमला कैसा हो और इसकी पॉटिंग मिक्स तथा इसकी केयर कैसी हो और इसकी प्राइस, सभी टॉपिक पर बात होगी आज इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंगो प्लांट मैं नर्सरी से लाई हूँ। आम्रपाली आम, दशहरी और नीलम आम को मिलाकर ग्राफ्ट किया गया है। यह प्लांट बड़े कंटेनर में लगाने से ये अच्छी फ्लोटिंग करता है। इसकी ग्राफ्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी ग्राफ्टिंग पहले आप देखें, इतनी बढ़िया तरीके से इसकी ग्राफ्टिंग की गई है, ये देखिए। जब भी आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लें तो उसकी ग्राफ्टिंग को अच्छे से चेक कर लें कि ग्राफ्टिंग खुली तो नहीं है और फंगस ना लगी हो, क्योंकि बरसातों के मौसम में ऐसा हो जाता है। नर्सरी से जब भी प्लांट लें तो हेल्दी प्लांट लें, यह चेक करें कि प्लांट मुरझाया हुआ बिल्कुल भी ना हो। देखिए मैं कितना हेल्दी प्लांट मैंने लिया है नर्सरी से। ये सबसे पहले बात करेंगे इसकी मिट्टी की, तो मैंने यहाँ घर की बनी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ली है। यह होममेड है, इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस कंपोस्ट में नाइट्रोजन, कार्बन और पोटेशियम और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ये करीब एक महीने में तैयार हो गई थी। मैंने यहाँ गार्डन सॉइल ली है, यहाँ एक भाग कंपोस्ट और एक भाग मिट्टी, मतलब 70% मिट्टी और 30% कंपोस्ट यहाँ मैंने ली है। यहाँ दो मुट्ठी के करीब मैं सरसों की खली भी डालूंगी। फ्रेंड्स, इस सरसों की खली में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी प्लांट नर्सरी से लाएं तो उसके पॉटिंग मिक्स में फंगीसाइड ज़रूर डालिए, जिससे उसकी जड़ों में फंगस अटैक ना हो। आप कोई भी फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो प्लांट के लिए पॉट कैसा हो, यह एक बात का ध्यान रखें कि कंटेनर जितना बड़ा होगा प्लांट की फ्रूटिंग और क्वालिटी दोनों ही बढ़िया होगी। वेल ड्रेनेज के लिए एक से दो होल होना ज़रूरी है, क्योंकि कंटेनर बड़ा है। देखिए इस तरीके से होल कर लीजिए। मैं आपको इसको पीछे से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए इस तरह से, कोशिश करें कि बड़ा ही कंटेनर लें। अगर कोई टूटे हुए मटके के टुकड़े आपके पास पड़े हैं तो पहले उनकी एक लेयर बिछा दें। अगर ये नहीं है तो कुछ बड़े पत्थर के टुकड़े भी ले सकते हैं। जहाँ होल है उन्हें अच्छे से कवर कीजिए, इस तरह से बिछा दीजिए। अब थोड़ी सी सूखी घास मैं यहाँ डालूँगी। आप यहाँ पर सूखी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों से एरेशन अच्छा होता है और ऑक्सीजन नीचे तक पहुँचती है। मिट्टी और कंपोस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा, क्योंकि अगर इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं पर कंपोस्ट ज़्यादा रह जाएगी और कहीं पर मिट्टी रह जाएगी खाली। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों खली भी मुझे अभी डाल देंगे यहाँ पर। इसमें अब एक चम्मच फंगीसाइड का डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो प्लांट जल सकता है। फंगीसाइड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधे की जड़ों में फंगस ना लग जाए। अब सभी को यहाँ मिला लेते हैं। यहाँ मैं बार बार कह रही हूँ कि मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करना है। नर्सरी वाले ने मुझे बहुत अच्छे से ये प्लांट सपोर्ट के साथ बांध कर दिया था, जिससे घर लाते हुए इसकी ग्राफ्टिंग टूटे ना। इसकी रस्सियों को कैंची से काटना पड़ेगा। ग्राफ्टेड प्लांट जो होते हैं वो 3-4 साल में ही फ्लोटिंग शुरू कर देते हैं। पॉली बैग से निकालने के बाद इसकी रूट्स को थोड़ा ढीला कर लेंगे।
पॉली बैग से निकालते हुए ध्यान रखें कि प्लांट्स की जड़ें डैमेज ना हो। अगर इसकी जड़ें डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट मर भी सकता है। अब प्लांट को बिल्कुल पॉट के सेंटर में सेट करें, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से। इसकी ब्रांच अभी पतली है तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। अब इस तरीके से जो डंडी मैंने लाई थी वही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। अब 2 महीने तक इसमें कोई भी खाद नहीं डालनी है। अभी तो गर्मी ही है तो 2 वक्त पानी डालना है और प्लांट को सेमी शेड एरिया में 1 हफ्ते तक रखें। इसके बाद पूरे दिन की धूप में इसे रखना है। आम्रपाली प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट है जिसकी हाइट आप कटाई छटाई करके मेंटेन कर सकते हैं। वैसे बड़े गमले में यह प्लांट 5 फीट तक बढ़ जाता है। अगर आप इसमें अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं तो हर 20 दिन में गोबर की सड़ी हुई खाद कंटेनर के हिसाब से डालिए। मैं अभी 2 साल तक इसमें फ्रूटिंग नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर ये प्लांट जल्दी फ्रूटिंग शुरू कर देगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फ्रूट्स भी फ्रेंड्स अच्छे और बड़े साइज़ के नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी मुझे 2 साल इंतज़ार करना है आम्रपाली आम के लिए। प्राइस की बात तो रह ही गई, दिल्ली में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 150 रुपये में मुझे ये प्लांट मिल गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।